मंत्री मनसुख मांडविया ने सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ की वर्चुअल बैठक। मंत्री बन्ना गुप्ता ने भी टीबी मुक्त भारत और राष्ट्रीय नेत्र ज्योति अभियान पर रखी अपनी बात। रांची में हिंसा के बाद स्थिति तेजी से हो रही है। सामान्य उपद्रव में शामिल लोगों की तलाश में जुटी पुलिस। राजधानी की सड़कों पर हुआ फ्लैग मार्च। राजधानी रांची और आसपास के क्षेत्रों में दोपहर बाद धूल भरी आंधी के साथ हुई हल्की बारिश से अधिकतम तापमान में कमी। 15 जून तक राज्य में मॉनसून के दस्तक देने की उम्मीद। और पंचकूला में हो रहे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का भव्य रंगारंग समापन। झारखंड समेत विभिन्न राज्यों के 8,500 से अधिक खिलाड़ियों ने लिया हिस्सा। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्या और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने आज देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की। इस बैठक में वर्ष 2025 तक टीबी मुक्त भारत बनाने के लिए निक्षय मित्र अभियान और मोतियाबिंद से पीड़ित नागरिकों की पहचान तथा उनके ऑपरेशन के लिए राष्ट्रीय नेत्र ज्योति अभियान पर चर्चा हुई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने सभी से इस अभियान को सफल बनाने में सहयोग की अपील की है। बैठक में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। श्री गुप्ता ने कहा कि 2025 तक राज्य से टीवी उन्मूलन को लेकर चर्चा की गई। उन्होंने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के साथ मोतियाबिंद को लेकर भी चर्चा की। राज्य में एक एम्स की स्थापना का भी उन्होंने आग्रह किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने इस पर वैकल्पिक व्यवस्था करने की बात कही। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने आज तीन विषय पर मुख्यतः वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रखा है, जिसमें उनसे हमारा संवाद स्थापित हुआ है। एक तो टीबी की जो समस्या है, टीबी को हमको समाप्त करना है। टीबी उन्मूलन 2025 तक समाप्त करना है और टीबी के लिए हम दवाई भी देते हैं और उसके साथ 500 रुपया हम उसको पौष्टिक आहार के लिए देते हैं, जो ना काफ़ी है। और हमारे यहाँ टीबी के करीब 30,000 के लगभग मरीज हैं। तो अभी भारत सरकार ने और हमारी सरकार ने मिलकर ये निर्णय किया कि हम टीबी के रोगियों को पौष्टिक आहार के रूप में उनको पौष्टिक आहार मिले, चूँकि उनको इसकी आवश्यकता होती है। इसके लिए हम कई सामाजिक संगठनों को भी साथ ले रहे हैं। झारखंड समेत देशभर में पिछले कुछ दिनों से कोरोना संक्रमण का दायरा फिर से बढ़ता जा रहा है। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 8,084 नए संक्रमितों की पहचान की गई, जबकि इस अवधि में 4,552 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोविड के 44,513 सक्रिय मामले शेष हैं। मंत्रालय ने सभी राज्यों को कोरोना संक्रमण के प्रसार को थामने के लिए एहतियाती उपायों पर सख्ती से अमल करते रहने का सुझाव दिया है। अब 2-4% है सक्रिय मामलों की संख्या 47,995। तो 24 घंटों में करीबन 4,000 से ज्यादा मरीज स्वस्थ हुए। कोरोना के खिलाफ लगातार जो भारत की जंग जारी है, रिकवरी रेट 98% से ज्यादा। वहीं अगर हम साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट की बात करें तो 2.21%। वहीं अगर दैनिक पॉजिटिविटी रेट की बात करें तो 3.24% है वो। देश में कोरोना को शिकस्त देने में टीकाकरण अभियान भी बेहद कारगर सिद्ध हुआ है और अब तक 1,95,19,00,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटे के दौरान 11,00,000 से अधिक टीके लगाए गए। टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक करीबन 195 करोड़ से भी ज्यादा कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 11,77,000 से अधिक टीके लगाए गए। टीकाकरण अभियान देश में लोगों की कोविड से सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण माध्यम है और इसकी उच्च स्तर पर लगातार समीक्षा और निगरानी की जा रही है।
ग्रामीण विकास विभाग के सचिव डॉ मनीष रंजन की अध्यक्षता में आज सांसद आदर्श ग्राम योजना एवं मुख्यमंत्री स्मार्ट ग्राम योजना की राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक हुई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई इस बैठक में मनरेगा आयुक्त राजेश्वरी बी सहित 22 जिलों के डीडीसी उपस्थित थे। इस दौरान श्री रंजन ने निर्देश दिया कि संबंधित उप विकास आयुक्त अपने अपने जिले के सांसदों से प्रतिवर्ष एक एक ग्राम पंचायत का चयन करने हेतु अनुरोध करे। उन्होंने कहा कि जिला स्तरीय समन्वय समिति की कोरोना काल से लंबित बैठकों को शीघ्रता से आयोजित करे और चयनित ग्राम पंचायत के लिए स्वीकृत ग्राम विकास योजना के लंबित स्कीमों का कार्यान्वयन शीघ्रतापूर्वक पूरा करें। रांची में 10 जून को हिंसा के बाद स्थिति तेजी से सामान्य हो रही है। कुछ थाना क्षेत्रों को छोड़कर शहर के अधिकांश हिस्सों में दुकानें खुली हैं। वाहनों का परिचालन सामान्य दिनों की तरह है। सरकारी कार्यालय, बैंक और शैक्षणिक संस्थान भी खुल गए हैं। दूसरी तरफ अब झारखंड पुलिस की ओर से कार्रवाई तेज कर दी गई है। पुलिस की अलग अलग टीम विभिन्न थाना क्षेत्रों में छापेमारी कर रही है। करीब एक दर्जन लोगों को हिरासत में लिया गया है। हिरासत में लिए गए सभी युवकों को अलग अलग थानों में रखकर पूछताछ की जा रही है। बताया गया है कि इन युवकों का सीसीटीवी में कैद तस्वीरों से मिलान किया जा रहा है। इधर भाजपा विधायक सीपी सिंह ने राज्य में गिरती विधि व्यवस्था पर चिंता जताई है। उन्होंने पिछले दिनों रांची में हुए उपद्रव में शामिल लोगों की गिरफ्तारी की मांग की। शांति है और शांति की ओर बढ़ रही है, लेकिन भविष्य में हमारे सुरक्षा कर्मियों को इस बात का बेहद ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे तत्वों के साथ शक्ति से निपटा जाए, इसका पूरा प्रबंध करना चाहिए। और दूसरी चीज कि जितने उन्मादी लोग, बवाली लोग, पत्थरों से हमारे धार्मिक स्थानों पर जो उन्होंने तोड़फोड़ किया है, गाड़ियों में तोड़फोड़ किया है, हमारे बिहार के मंत्री को भी निशाना बनाने का काम किया है, गाड़ियों में तोड़फोड़ किया है, वैसे सारे चेहरे आपके सामने हैं। पूर्व मुख्यमंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास आज गोड्डा पहुंचे। उन्होंने पोरैया हाट एवं विभिन्न स्थानों पर कार्यकर्ताओं और सामान्य लोगों से भेंट की। इस मौके पर सहिया बहनों ने भी श्री दास के समक्ष अपनी समस्याओं को रखा। उन्होंने सहिया की मांगों को सही ठहराया। हो रहा था, सुना ना मराठी सुधारो जीएमएम को भगा के, ठीक है, तभी मुक्ति, तभी झारखंड सुधरेगा। इसलिए कहा था कि घर घर जाके हमारा दीदी लोग समझाएगा कि सब्जी खाने से आयरन होगा, उसे एनीमिया बीमारी नहीं होगा। अब गर्भवती में अब महिला को अगर पौष्टिक आहार नहीं देंगे तो हमारा चुचके के समय बहन की भी मृत्यु हो जाता, बच्चा का भी मृत्यु हो जाता। किसी को चिंता है? नहीं। अगुआ राज में नौकरी से हम लोग को हटा, बीजेपी सरकार आएगा तो फिर। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा है कि गोड्डा जिले के महगामा अनुमंडल के ठाकुर गंगटी प्रखंड में प्रस्तावित सैनिक स्कूल को दुमका लेकर जाने की बात की जा रही है, लेकिन वह ऐसा किसी भी हालत में नहीं होने देंगे। श्री दुबे ने कहा कि केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी इसे ठाकुर गंगटी प्रखंड में ही स्थापित करने की स्वीकृति दी है। सैनिक स्कूल के लिए कहा है, राजनाथ सिंह जी की चिट्ठी उसमें कोट, विस्फोट नहीं होना चाहिए। बात है वो उनका डीसी को जो इन्होंने जमीन खोजने के लिए दिया है, उनकी वो मंशा पूरी नहीं होगी, क्योंकि पहले टर्म में वो गुमला ले जाना चाहते थे, गुमला के लिए उन्होंने चिट्ठी लिखी थी, अब दूसरे टर्म में वो दुमका ले जाना चाहते हैं। जब तक निशिकांत दुबे यहाँ जिंदा है, सांसद है या नहीं है, गोड्डा के लोगों के साथ उसका वादा है, आज बने, दो साल बाद बने, पाँच साल बाद बने, गोड्डा के ठाकुर गंगटी में ही सैनिक स्कूल बने। मांडर विधानसभा उपचुनाव को लेकर प्रत्याशियों ने जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है। विभिन्न दलों के उम्मीदवार और निर्दलीय प्रत्याशी वोटरों से संपर्क साधकर मतदान की अपील कर रहे हैं। इस क्रम में आज मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के सुभाष मुंडा के समर्थन में
पार्टी नेताओं ने जन समर्थन अभियान चलाया, जबकि कांग्रेस की शिल्पी नेहा तिर्की के समर्थन में पूर्व मंत्री बंधु तिर्की ने भी विभिन्न गांवों का दौरा किया। वहीं भाजपा की ओर से बाबूलाल मरांडी ने कई चुनावी सभाओं को संबोधित किया। आप जान रहे हैं कि इस राज्य के अंदर में ये जो ढाई वर्षों से हेमंत सोरेन के नेतृत्व में, जेएमएम के नेतृत्व में, कांग्रेस के नेतृत्व में, राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व में यहाँ सरकार चल रही है, लेकिन ढाई वर्षों में किस प्रकार की सरकार चल रही है, कैसी सरकार चल रही है, आप सब इसको थोड़ी समझने की कोशिश करो। ये ढाई वर्षों में झारखंड में जो सरकार है हेमंत सोरेन, कांग्रेस और जेएमएम के नेतृत्व में जो सरकार है, वो झारखंड की जनता के लिए नहीं है, झारखंड के गरीबों के लिए नहीं, गांव के लिए नहीं है, ये सरकार अपने और अपने परिवार के लिए, अपने हित कुटुंब के लिए सरकार है। ओडिशा के प्रसिद्ध जगन्नाथपुरी रथ यात्रा की तर्ज पर झारखंड की राजधानी रांची में सैकड़ों वर्षों से रथ यात्रा निकाली जाती है। हालांकि पिछले दो साल से कोरोना की वजह से रथ यात्रा नहीं निकाली गई थी। इस बार सरकार ने रथ यात्रा निकालने की मंजूरी दी है, लेकिन उसमें कई पाबंदी लगाई गई है। इसी के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है, जिसमें पहले की तरह आयोजन की अनुमति देने की मांग की गई है। यह याचिका हाईकोर्ट के अधिवक्ता धीरज कुमार ने दायर की है। देखिए, रथ यात्रा जो है ये वर्षों से पुरानी परंपरा रही है और झारखंड की परंपरा है। इस परंपरा को इस अभी हमारे उपायुक्त ने एक बयान जारी कर या आदेश निकाल कर कहा है कि बहुत ही सीमित लोगों के साथ यह रथ यात्रा कराया जाएगा, जो कि गलत है। और जब पूरी का रथ यात्रा को नहीं रोका जा रहा, इससे पूर्व में क्रिकेट के मैच कराए गए, तब पूरे स्ट्रेंथ के साथ कराए गए, कई जुलूस वगैरह भी हुए, सभाएं हुई, तब कोविड का कोई इसमें प्रभाव नहीं था। तो आज रथ यात्रा मेला को रोकने का कोई औचित्य नहीं है। इसी को लेकर हमने झारखंड उच्च न्यायालय के साथ एक ये जनहित याचिका दायर की है और मांग की है कि रथ यात्रा मेला को पूर्ण रूप से जैसे चलाया जाता था पहले के ही स्थिति में चलाया जाए। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्रालय के संयुक्त सचिव मिनहाज आलम आज अपने तीन दिवसीय दौरे पर पश्चिमी सिंहभूम पहुंचे। उन्होंने जिला प्रशासन के साथ चाईबासा में एक समीक्षा बैठक की, जिसमें जल संरक्षण अभियान के तहत संचालित कार्यों की समीक्षा की गई। अपने दौरे के क्रम में श्री आलम ने तांत नगर प्रखंड की दो पंचायतों में जाकर स्थल निरीक्षण किया। श्री आलम ने कहा कि जल शक्ति मिशन के तहत जिले में किए जा रहे कार्यों की प्रगति की समीक्षा अगले दो दिनों में स्थल निरीक्षण के जरिए की जाएगी। डिस्ट्रिक्ट तरफ से सेंट्रल टीम को भेजा गया है, उसमें किस डिस्ट्रिक्ट के लिए हमको दिया गया है और ग्राउंड वाटर बोर्ड के भुवनेश्वर से श्री ए के दास जी को, तो यहाँ हम लोग को चेक करना है कि कैसा रेन कैंपेन है जल शक्ति अभियान के अंतर्गत। उसमें पूरे डिस्ट्रिक्ट में जो वाटर कंजर्वेशन प्लान, डिस्ट्रिक्ट में जल शक्ति केंद्र का निर्माण होना है और जो भी एक्शन दिए जा रहे हैं वाटर कंजर्वेशन के लिए, वो हम लोग चेक करना है। अब तक जिले में इसको लेकर समीक्षा बैठक हुई है और हम लोग इसको फील्ड विजिट करेंगे दो दिन, उसके बाद से लास्ट में फीडबैक सेशन रहेगा और हम लोग को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जाकर उसकी हम लोग को रिपोर्ट भी देनी है कि डिस्ट्रिक्ट में क्या क्या। देवघर एयरपोर्ट पूरी तरह बनकर तैयार है। बीते दिन इंडिगो फ्लाइट की सफल लैंडिंग और टेक ऑफ कराया गया, जिसके बाद देवघर एयरपोर्ट के उद्घाटन को लेकर लोगों में उम्मीद और बढ़ गई है। आज झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास देवघर पहुंचे, जहां उन्होंने एयरपोर्ट के काम का जायजा लिया। इस दौरान श्री दास ने एयरपोर्ट के कामों पर संतुष्टि जताई। श्री दास ने बताया कि देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी संभवतः 12 जुलाई को इस एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 26 तारीख को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। आम लोग इस कार्यक्रम के लिए अपने सुझाव 24 जून तक भेज सकते हैं। राजधानी रांची और आसपास के क्षेत्रों में दोपहर बाद धूल भरी आंधी के साथ हुई हल्की बारिश से अधिकतम तापमान में कमी आई है। वहीं राज्य के उत्तर पश्चिमी और दक्षिणी हिस्से जबरदस्त लू की चपेट में हैं, जिससे सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। पिछले 24 घंटे के दौरान डाल्टेनगंज में अधिकतम तापमान 45.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया है कि राज्य के लोगों को फिलहाल उमस भरी गर्मी से राहत मिलने की
उम्मीद कम है। हालांकि विभाग ने कहा है कि 15 से 20 जून के बीच झारखंड में मॉनसून के प्रवेश करने की संभावना है। वहीं मॉनसून पूर्वानुमान में इससे पहले प्री मॉनसून की अच्छी बारिश के आसार हैं। पलामू के उपायुक्त शशिरंजन ने आज आकांक्षी जिला अंतर्गत नीति आयोग द्वारा निर्धारित विभिन्न प्रक्षेत्र के संकेतक में समस्या सुधार हेतु उठाए गए कदम एवं सुझाव से संबंधित बैठक की। इस दौरान उपायुक्त शशिरंजन ने एएनसी के तहत रजिस्टर्ड गर्भवती महिलाओं की जानकारी ली एवं सभी की अनीमिया जांच करने की बात कही। उन्होंने सभी स्कूलों में पेयजल की व्यवस्था, शौचालय एवं बिजली की व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए भी सभी विभागों को आपस में बेहतर समन्वय बनाते हुए कार्य करने की बात भी कही। श्री रंजन ने कृषि, पशुपालन, आपूर्ति और नगर पंचायत की समीक्षा करते हुए सभी संबंधित पदाधिकारियों को आपस में समन्वय बनाकर नीति आयोग द्वारा निर्धारित लक्ष्य को हासिल करने का निर्देश दिया। सैराट दुकानों के किराए में बेतहाशा वृद्धि के विरोध में जमशेदपुर के साक्षी टीन शेड बाजार के दुकानदारों ने आज अपने प्रतिष्ठानों को बंद रखा और जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दुकानदारों ने बताया कि किराए में बेतहाशा वृद्धि से उनकी रोजी रोटी पर आफत आ गई है। उनका कहना था कि अगर समस्या का समाधान नहीं निकाला जाता तो आने वाले दिनों में वे उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। हरियाणा के पंचकुला में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आज समापन हो रहा है। यूथ गेम्स में झारखंड समेत विभिन्न राज्यों के 8,500 से अधिक खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया और अपना दमखम दिखाया। महाराष्ट्र और हरियाणा पदक तालिका में शीर्ष पर बने हुए हैं। केंद्रीय युवा और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर समापन समारोह में भाग ले रहे हैं। रांची के धुरवा में स्थित हटिया डैम जलापूर्ति का एक मुख्य साधन होने के साथ पर्यटन का भी केंद्र रहा है। दिनभर की गर्मी और उमस से निजात पाने के लिए पर्यटक शाम के वक्त डैम के पास अपना समय गुजारना पसंद कर रहे हैं। पर्यटन के क्षेत्र में रांची के धुरवा स्थित हटिया डैम का आकर्षण शुरू से काफी अलग रहा है। दिन में यहां पर्यटकों की संख्या तो अच्छी खासी देखने को मिलती ही है, शाम के वक्त भी यहां लोग सुकून के पल गुजारना पसंद करते हैं। बहुत अच्छा लगा धुरवा डैम आकर के, और आज मैं फर्स्ट टाइम आई हूं यहां पे। बहुत अच्छा लगा, इवनिंग टाइम दैट मींस आप देख सकते हैं कि सनलाइट एकदम डाउन है, बहुत अच्छा लग रहा है। लोगों के बीच डैम का आकर्षण इस तरह का है कि यहां अक्सर फिल्म और गानों की भी शूटिंग होती रहती है। रांची और आसपास के लोग यहां आते हैं और फोटो सेशन से जुड़े कई पहलुओं पर भी काम करते हैं। डैम यहां पे ज्यादातर लोग सुबह में, मॉर्निंग वॉक में, इवनिंग में हमेशा ही आते ही रहते हैं। और पानी है, नजारा है, देख सकते हैं आप, बहुत अच्छा इलाका है। तो सनसेट का अच्छा आता है, लोकेशन भी आता है, फोटो सही है, और फिर यहाँ पे मॉर्निंग वॉक के लिए भी होगी, सबसे बेटर जगह है। गर्मी का कुछ एहसास नहीं है, ठंडा का पूरा महसूस होता है, बहुत अच्छा जगह है हमारे लिए। धुरवा स्थित हटिया डैम की खासियत कई मायनों में अन्य डैम से बिल्कुल अलग है। डैम का पानी रांची के बड़े इलाके में जलापूर्ति की जाती है, साथ ही इसमें मत्स्य पालन भी बड़े पैमाने पर किया जाता है। रांची से करमवीर की रिपोर्ट। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। कैग के द्वारा जिला परिषद की आधारभूत संरचना, 14वें वित्त आयोग एवं पंचायत भवन निर्माण कार्यों की ऑडिट कराया जाएगा। रांची, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, गिरिडीह, बोकारो, हजारीबाग, चतरा और साहेबगंज जिले में ऑडिट कराई जाएगी। पंचायती राज विभाग ने इसके लिए 8 जिला परिषद और इसके अंतर्गत पंचायत समिति व ग्राम पंचायतों को ऑडिट के लिए चयनित किया है। दुमका इंजीनियरिंग कॉलेज के मैकेनिकल विभाग के छात्रों के समूह ने 3 ऊर्जा स्रोतों से चलने वाली सोलर साइकिल बनाई है। यह साइकिल सोलर, बैटरी और विंड एनर्जी से चलेगी। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास आज देवघर स्थित बाबा वैद्यनाथ धाम मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने विधि विधान से की पूजा अर्चना और झारखंड की खुशहाली, समृद्धि और विकसित राज्य की बाबा से की मनोकामना। इस मौके पर स्थानीय विधायक सह पार्टी जिला अध्यक्ष नारायण दास सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। 70 हाथियों का झुंड पश्चिम बंगाल से पूर्वी सिंहभूम जिले के चाकुलिया में दाखिल हो गया है।
जंगली हाथियों ने मकड़ी गांव के दो घरों को तहस नहस कर दिया। वहीं वन विभाग की टीम हाथियों को भगाने के प्रयास में जुट गई है। चतरा में कोयला चोरी और अवैध तस्करी के विरुद्ध पुलिस पूरी तरह से सख्त नजर आ रही है। इसी का नतीजा है कि पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर हरकत में आई जिले की पिपरवार थाना पुलिस ने कोयला चोरों के विरुद्ध एक बार फिर बड़ी कार्रवाई करते हुए चोरी का कोयला लदा ट्रक के साथ चार तस्करों को दबोचने में सफलता हासिल की है। देवघर के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री द्वारा बाबा मंदिर परिसर का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था और विधि व्यवस्था के अलावा श्रावणी मेला के आयोजन को लेकर आवश्यक तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से आयोजित मैट्रिक परीक्षा 2022 के परिणाम जून के अंतिम या जुलाई के पहले सप्ताह में जारी हो सकता है। काउंसिल की ओर से बताया गया कि पंचायत चुनाव में शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति और मूल्यांकन कार्य की गति प्रभावित हुई, लेकिन अब मूल्यांकन कार्य सभी जिलों में पूरा हो चुका है और अब रिजल्ट तैयार करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। रांची के एयरपोर्ट थाना और उत्पाद विभाग की टीम ने आज हेतु नदी के किनारे चलाए जा रहे दो अवैध शराब भट्टी को नष्ट किया है। इस दौरान पुलिस ने करीब 100 लीटर महुआ शराब, 10 सिंटेक्स जावा महुआ समेत कई सामानों को नष्ट किया। बिलासपुर रेल डिवीजन के हेमगिर स्टेशन के पास 150 से अधिक स्थानीय लोगों के आंदोलन के कारण हावड़ा मुंबई रेल मार्ग सुबह 8 बजे से 12:30 बजे तक प्रभावित रहा। इस दौरान हावड़ा मुंबई रेल मार्ग पर परिचालन ठप रहा। टाटा नगर से होकर चलने वाली 11 ट्रेनों ने जहां तहां रुकी रही, इससे सैकड़ों यात्री गर्मी से परेशान रहे। ट्रेनों के लेट चलने से टाटा नगर स्टेशन पर यात्री अपनी ट्रेनों का इंतजार करते रहे। इसके लिए स्थानीय रेल प्रशासन ने हेल्प डेस्क खोला था। गिरिडीह पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बिहार के जमुई और झारखंड के गिरिडीह इलाके में सरकारी निर्माण कार्य करने वाले ठेकेदारों से लेवी की वसूली करने वाले अपराधी सिंटू कुमार यादव को गिरफ्तार किया गया है। अपराधी के खिलाफ तीसरी थाने में जनवरी 2022 में मामला दर्ज किया गया था। भगवान बुद्ध के अवशेषों को लेकर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू के नेतृत्व में आज एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल मंगोलिया पहुंचा। अपने मंगोलिया दौरे में भी शांति का संदेश लेकर पहुंचे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज भारत विश्व में फैली अशांति में शांति का संदेश पहुंचा रहा है। भारत हमेशा शांति का संदेश फैलाता है विश्व भर में। जैसे हम यहाँ विशेष प्रतिमंडल दल यहाँ पहुंचे हैं मंगोलिया में बुद्ध का संदेश लेकर के, वैसे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी जो भी वो कूटनीति करते हैं वो शांति के रास्ते पर, बुद्ध के बताए हुए रास्ते पर और विश्व को कैसे शांति के पथ पर चलना चाहिए इसी सोच के साथ करते हैं। तो आज देश जितना भी देश आप देख रहे हैं, कहीं कुछ चुनौतियां हैं, कहीं गड़बड़ हो रहे हैं, कहीं लड़ाई हो रहे हैं, ऐसे समय में भारत का जो रोल है वो बहुत अहम हो जाता है। और आइए अब देखते हैं स्वतंत्रता संग्राम में कितना खास है आज का दिन। जून 1943 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जर्मनी से टोक्यो पहुंचे और उपमहाद्वीप से ब्रिटिश शासन समाप्त करने के अपने लक्ष्य का उद्घोष किया। उन्होंने ब्रिटिश उपनिवेश के पूर्वी क्षेत्रों पर आक्रमण करने की योजना बनाई और इसके लिए 2 जुलाई को सिंगापुर गए। अक्टूबर 1943 में सिंगापुर के प्रसिद्ध कैथे सिनेमा हॉल में सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार के गठन की औपचारिक घोषणा कर दी। नेताजी ने उद्घोष किया, संघर्ष की शुरुआत और संचालन अस्थायी सरकार का दायित्व होगा, जिससे भारत की धरती से ब्रिटिश और उनके सहयोगियों का निष्कासन सुनिश्चित होगा। स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार ने स्वतंत्रता प्राप्ति का आह्वान किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में इंडियन नेशनल आर्मी के योद्धाओं ने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी। आज हम गांधीवादी स्वतंत्रता सेनानी
नरुथनाथ का भी स्मरण कर रहे हैं जो 13 जून 1930 को शहीद हुए थे। गुजरात के सूरत जिले के नरुथनाथ ने मई 1930 में धरसाना नामक सत्याग्रह में भाग लिया था। 1930 के नमक सत्याग्रह के दौरान जब गांधी जी ने धरसाना सॉल्ट वर्क्स पर छापा मारने का निर्णय लिया तो उन्हें वायसराय लॉर्ड इरविन को पत्र लिखा और उन्हें अपनी योजना की जानकारी दी। गांधी जी को 4 मई 1930 को गिरफ्तार कर लिया गया और पूना के निकट हिरासत में रखा गया। हालांकि गांधी जी की योजना के अनुसार धरसाना सत्याग्रह आगे जारी रहा। 76 वर्षीय सेवानिवृत्त न्यायाधीश अब्बास तैयब जी ने कस्तूरबा गांधी के साथ मार्च का नेतृत्व किया। तैयब जी और कस्तूरबा गांधी दोनों को धरसाना पहुंचने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया और 3 महीने जेल की सजा दी गई। उनकी गिरफ्तारी के बाद सत्याग्रहियों ने सरोजनी नायडू के नेतृत्व में मार्च जारी रखा। सशस्त्र सैनिकों ने सत्याग्रहियों को स्टील की मूठ वाली लाठियों से पीटा। नरुथनाथ सहित बड़ी संख्या में सत्याग्रही बुरी तरह घायल हुए। चोट की वजह से 13 जून 1930 को नरुथनाथ की मृत्यु हो गई। आज हम स्वतंत्रता सेनानी गणेशी सिंह का भी स्मरण कर रहे हैं जिन्होंने 1857 में आजादी की पहली लड़ाई में भाग लिया था। शुरुआत में गणेशी सिंह इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में थे लेकिन उन्होंने 1857 के विद्रोह के दौरान सेना की नौकरी छोड़ दी और विभिन्न स्थानों पर ब्रिटिश प्रतिष्ठानों पर हमलों में शामिल हो गए। उन्होंने अपने साथी सिपाहियों को भी अंग्रेजों पर हमले के लिए प्रेरित किया और अत्याचारी शासन को उखाड़ फेंकने को ललकारा। अंग्रेजों से मोर्चा लेते हुए वे पकड़ लिए गए और उन पर ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह का आरोप लगाया गया। उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और अप्रैल 1858 में बॉम्बे से अंडमान द्वीप भेज दिया गया। कारावास में ही 13 जून 1858 को उनका निधन हो गया। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा ट्विटर हैंडल है डीडी न्यूज झारखंड और फेसबुक पेज है आरएनयू डीडी के। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड डीडी न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ की वर्चुअल बैठक। मंत्री बन्ना गुप्ता ने भी टीबी मुक्त भारत और राष्ट्रीय नेत्र ज्योति अभियान पर रखी अपनी बात। रांची में हिंसा के बाद स्थिति तेजी से हो रही है। सामान्य उपद्रव में शामिल लोगों की तलाश में जुटी पुलिस। राजधानी की सड़कों पर हुआ फ्लैग मार्च। राजधानी रांची और आसपास के क्षेत्रों में दोपहर बाद धूल भरी आंधी के साथ हुई हल्की बारिश से अधिकतम तापमान में कमी। 15 जून तक राज्य में मॉनसून के दस्तक देने की उम्मीद। और पंचकुला में हो रहे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का भव्य रंगारंग समापन। झारखंड समेत विभिन्न राज्यों के 8,500 से अधिक खिलाड़ियों ने लिया हिस्सा।